हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है नव्य साइंस नोट्स गैलरी में। आज मैं आपको तीन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, सेकंड टॉपिक है लोकोमोशन इन पैरामीशियम, थर्ड टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन पैरामीशियम। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, पैरामीशियम में पोषण, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। इसे मैं आपको 5 पॉइंट में समझाऊंगी। पहला पॉइंट है फूड। पैरामीशियम अपना फूड होलोजोइक मैनर से लेता है। पैरामीशियम ज़्यादातर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को अपना फूड बनाता है। एक पैरामीशियम 24 घंटे में 20 से 50 लाख तक बैक्टीरिया को अपना फूड बना लेता है। सेकंड पॉइंट है फीडिंग मैकेनिज्म। जब भी पैरामीशियम अपना फूड लेता है तो उसकी स्विमिंग स्लो हो जाती है, क्योंकि फास्ट स्पीड में पैरामीशियम कभी भी अपना फूड नहीं ले पाता। पैरामीशियम अपने फूड को वकल कैविटी के बॉटम साइड से साइटोस्ट्रोम के द्वारा लेता है। ओरल ग्रुप के सीलिया की फास्ट स्पीड की वजह से वाटर करंट तेजी से वेस्टिब्यूल की ओर जाने लगता है। इसके साथ फूड के पार्टिकल भी वेस्टिब्यूल में एंटर होते हैं। वेस्टिब्यूल के सीलियरी ट्रैक से होकर फूड के पार्टिकल वकल कैविटी में पहुँचते हैं। वेस्टिब्यूल से वकल कैविटी में फूड के कुछ ही स्पेशल टाइप के माइक्रो पार्टिकल ही एंटर कर पाते हैं और बाकी लार्ज पार्टिकल रिजेक्ट होकर बाहर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। सीलिया के थ्रू फूड के स्मॉल पार्टिकल साइटोस्ट्रोम में से होकर साइटोफेरिंग्स के बॉटम पर कलेक्ट होते रहते हैं और वहां फूड वैक्यूल के रूप में एंडोप्लाज्म में पहुंचते हैं। फूड ऑब्जर्व करने के बाद फूड वैक्यूल सिकुड़ने लगती है। फोर्थ पॉइंट है डाइजेशन। पैरामीशियम के डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहा जाता है। हर फूड वैक्यूल में माइक्रो फूड पार्टिकल होते हैं। इस टाइप से बनी फूड वैक्यूल को एंडोप्लाज्म फर्स्ट साइट से और फिर डॉर्सल की ओर से होता हुआ नेक्स्ट साइट पर ले जाता है। यहाँ से फूड वैक्यूल बॉटम पर साइटोपेज और एनल स्पॉट के पास जाकर फट जाती है। इस बीच फूड डाइजेस्ट हो जाता है। फूड वैक्यूल पहले एसिडिक बाद में अल्कलाइन होता है। डाइजेशन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इजेशन। फूड के डाइजेस्ट और एसिमिलेशन के बाद फूड वैक्यूल स्मॉल होती जाती है, अनडाइजेस्ट फूड रह जाता है। ऐसे ही फूड वैक्यूल बैक साइड की ओर आती जाती है और एनल स्पॉट और साइटोफेज के पास आकर फट जाती है और अनडाइजेस्ट फूड बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से न्यूट्रिशन एंड पैरामीशियम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकोमोशन इन पैरामीशियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सीलिया की वजह से पैरामीशियम मूव करता है। सीलिया पैरामीशियम के बॉडी सरफेस पे होता है। यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीलिया के दो सेट होते हैं जो कि रिदमिक पैटर्न में मूव करते हैं, जिसमें से सीलिया का एक सेट बैंड होता है और एक सेट स्ट्रेट रहता है। बाद में दूसरा सेट स्ट्रेट होता है और पहला सेट बैंड हो जाता है। सीलिया के आगे से पीछे जाने को स्ट्रोक कहते हैं, जिसकी वजह से पैरामीशियम मूव करता है। पैरामीशियम जब आगे की साइड मूव करता है तो रिदमिक पैटर्न लास्ट साइड से फ्रंट साइड पर आ जाता है। पैरामीशियम डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ता, यह रोटेट होता हुआ एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ता है। कॉमन सीलिया अपने इफेक्टिव स्ट्रोक से डायरेक्ट बैक साइड की ओर ना जाके बॉडी के कुछ लेफ्ट साइड हो जाते हैं और कुछ राइट साइड चले जाते हैं, जिससे पैरामीशियम अपने एक्सिस के लेफ्ट साइड को टर्न हो जाता है। इस टाइप से लॉन्ग एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता हुआ पैरामीशियम लगभग एक सीधे पथ पर चलता रहता है। इसी प्रकार से लोकोमोशन इन पैरामीशियम यहीं पर ख़त्म होता है। लास्ट टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में बॉडी के अंदर वाटर कंट्रोल टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, जो कि बॉडी के आगे और पीछे की साइड होते हैं। साइटोप्लाज्म में कलेक्ट एक्स्ट्रा वाटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ कैनाल में इकट्ठा हो जाते हैं। इस कैनाल्स में इकट्ठा होने के बाद यह वाटर नेफ्रिडियल कैनाल में जाता है। नेफ्रिडियल कैनाल के थ्रू फीडर कैनाल में पहुंचता है और फीडर कैनाल में एम्पुला में इकट्ठा होता है। सभी फीडर कैनाल के एम्पुला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ओपन होते हैं। इस टाइप से साइटोप्लाज्म से वाटर की एक्स्ट्रा अमाउंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पहुँचा दी जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर के इकट्ठा होने से धीरे धीरे साइज में बढ़ती है। ज़्यादा बड़ा होने के बाद यह एकदम से सिकुड़ने लगती है।
और इसके अंदर का वाटर डिस्चार्ज कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन यहीं पे समाप्त होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।